विद प्रोफेशन, जब ब्लड रिलेशन किया था तब हमने किया था ना विद प्रोफेशन, जो फैमिली ट्रीज आते हैं तो वो आता है, वो इजी होता है, वो मुश्किल नहीं है, तो आप लोग कर लेना. क्या था ना हमने, वो जो सिस्टर इन लॉ मदर इन लॉ बहुत सारे थे, प्रोफेशंस भी थे उसके साथ. तो नेक्स्ट आपका आइए ऑर्डर पजल्स आते हैं. ऑर्डर रैंकिंग में करा है नहीं ऑर्डर पजल्स? नो, शॉर्ट टॉल नहीं किया था? नो, नहीं करा था. ओके, एक करा देंगे. ठीक है, तो ऑर्डर पजल्स में वही होता है, कुछ कुछ पर्सन्स के नाम होगा या फिर ए बी सी करके भी कुछ हो सकता है. ये इससे टॉल है, ये इससे शॉर्ट है, ये है, तो इनमें से कौन सा ज्यादा शॉर्ट, कौन ज्यादा टॉल, कौन ज्यादा शॉर्ट है, ये सारे क्वेश्चन रहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपका फ्लोर बेस्ड पजल. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आते ही है. ठीक है, और फोर्थ आपका है शेड्यूलिंग, या फिर बहुत लोग इसको अरेंजमेंट भी बोलते हैं, डेज अरेंजमेंट या फिर मंथ अरेंजमेंट. बेसिकली क्वेश्चंस आपको यहाँ से ही मिलेगा, फ्लोर पजल या फिर शेड्यूलिंग से. ठीक है, बेसिकली जो पैटर्न देखा गया है. एंड ऑर्डर पजल का क्या होता है, नॉर्मली 3 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, वो ऑर्डर रैंकिंग के चैप्टर में ही हो जाता है. ऑर्डर रैंकिंग का कितना आया, 3 आया. ठीक है, ऑर्डर पजल्स देखो, फैमिली ट्री तो आप लोग कर लोगे, ठीक है, उसमें कोई इश्यू नहीं है. ऑर्डर जब आता है आप लोगों को कैसे मतलब ये करना, प्रोसेस करना चाहिए आप लोगों को करना चाहिए. सपोज आपको टॉलर के बारे में बोल रहे हैं कि ये सबसे टॉल है और उनमें से 5 पर्सन है उनके बारे में आपको बताया गया है, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे उनको नंबर एक कि एक के बाद सेकेंड, सेकेंड के बाद थर्ड, फोर्थ के बाद फिफ्थ. ठीक है, ऐसा. ठीक है, जब आप नंबरिंग करोगे तब, क्योंकि ये स्पेसिफिक, ये डेफिनेट है कि फर्स्ट जो सबसे टॉलेस्ट है उसके बाद उसका सेकंड टॉलर आएगा, तो ये डेफिनेट है, तो इसके बेस पे ही हम करेंगे. ठीक है, तो हम करेंगे यहाँ पे एक ये आ सकता है, ये नहीं आ सकता, इसके ऊपर करेंगे. आप पर्सन के ऊपर मत करना, क्योंकि आपको ऐसे बोला जाता है कि सपोज रोहन इज टॉलर देन ओनली 2 पीपल. ठीक है, तो आप कहाँ रखोगे उसको, तो जब ऐसे करते हो कि रोहन से ज्यादा टॉल ये है, तो अगर आप ऐसे नंबरिंग करोगे ना तो इजी होगा. ठीक है, आपको नंबरिंग से करना है. नेक्स्ट फ्लोर बेस्ड पजल. फ्लोर बेस्ड पजल हम कैसे करेंगे, फ्लोर पजल जो ऐसे बोला जा रहा है कि 7 फ्लोर्स है, 6 फ्लोर्स है, वो कैसे करेंगे? हाँ, ड्रॉ भी कर सकते हो या फिर नंबरिंग कर सकते हो. हमेशा आपको बोला जा रहा है ग्राउंड फ्लोर 0 नहीं होता है, ग्राउंड फ्लोर हमेशा 1 होता है. फिर भी क्वेश्चन में मेंशन ही रहता है, तो 1 2 3 4 5. ठीक है, ऐसे अगर 5 फ्लोर्स है तो ऐसे, और इसके बेस पे हम करेंगे. ठीक है, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा, 1 के ऊपर 2 ही आएगा, 2 के ऊपर 3 ही आएगा, ये डेफिनेट है, तो इसी को बेस लेके हम करेंगे. ठीक है, अब शेड्यूलिंग. शेड्यूलिंग में पहले तो बेस अरेंजमेंट आएगा मंडे से संडे, या फिर संडे से सैटरडे भी आ सकता है, वो मेंशन रहेगा आपका. ठीक है, तो उसमें भी बहुत लोग कैसे करते हैं कि किसी और को बेस लेके करते हैं, तो वो होता नहीं है, क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि जस्ट इसके पहले दिन ये होता है, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो. तो उसमें भी आपको क्या करना है, सपोज आपको मंडे से स्टार्ट करना है, तो मंडे ट्यूसडे संडे इसको बेस लेना है. ठीक है, इसको बेस लेना है, इसके बेस पे हमें करना है. ठीक है, तो जैसे कि अगर ये ट्यूसडे को आएगा तो ट्यूसडे के ऊपर वाले में ये आएगा, तो हम ऐसे आराम से कर सकते हैं इसमें. ठीक है, एंड मंथ्स के केस में भी सेम, सपोज जनवरी से स्टार्ट होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जून. ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेट है कि मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, जनवरी के बाद फरवरी ही आएगा, तो इसी को हम बेस लेंगे. ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको करना है. ये चार्ट तो आता है, और एक आता है जो मतलब टेबुलर फॉर्म में होता है, मतलब टेबुलर फॉर्म में नहीं होता, आपको उसको टेबुलर फॉर्म में करना है. जैसे पी लाइक स्विमिंग, पी लाइक दिस कलर, तो कौन कौन किस मतलब किसको स्विमिंग पसंद है, किसको ये कलर पसंद है, तो वैसा वाला क्वेश्चन आता है, तो वो आप कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं.